8 दिसंबर से शुरू हो रही एशेज सीरीज के पहले टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया के नए कप्तान पैट कमिंस ने अपनी प्लेइंग 11 की घोषणा कर दी है। कमिंस ने यह घोषणा एशेज 2021 सीरीज की ऑफिशियल लॉन्च के दौरान की। रविवार 5 दिसंबर को एशेज 2021 सीरीज का एक ऑफिशियल लॉन्च रखा गया। लॉन्च में एशेज 2021 की ट्रॉफी को रिवील किया गया। इसी दौरान ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने ब्रिस्बेन टेस्ट में उतरने वाले अपने 11 सदस्यों का नाम बताया है। ऑस्ट्रेलिया के नए कप्तान पैट कमिंस का कहना है कि उस्मान ख्वाजा की टीम में जगह नहीं बन पाएगी। उनकी जगह बाएं हाथ के बल्लेबाज ट्रेविस हेड मिडल ऑर्डर में बल्लेबाजी करेंगे। उन्होंने कहा, ये निर्णय लेना काफी मुश्किल था। दोनों ही बेहद अच्छे खिलाड़ी हैं और दोनों ही अच्छी फॉर्म में भी हैं। उस्मान के पास काफी तजुर्बा है और हम खुशकिस्मत हैं कि ऐसा खिलाड़ी हमारे दल में है। लेकिन ट्रेविस पिछले कुछ सालों से टीम में लगातार बने हुए हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के बाहर जाकर भी अच्छा किया है और ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए भी इंग्लैंड के खिलाफ रन बनाए हैं। हमें लगता है वो इस दौरे के लिए पूरी तरह से तैयार है। हालांकि बैटिंग में इस ऐलान के अलावा गेंदबाजी में ऑस्ट्रेलिया ने कोई बदलाव नहीं किया है। स्पिन डिपार्टमेंट का जिम्मा ऑफ स्पिनर नेथन लायन पर रहेगा। वहीं तेज गेंदबाजी की बात करें तो मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड और खुद कप्तान पैट कमिंस नजर आएंगे। इनके अलावा फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन भी गेंदबाजी में अपने हाथ आजमाते दिख सकते हैं। बता दें कि पहले टेस्ट के शुरू होने में अभी 3 दिन बाकी है। अक्सर ऐसा होता है कि टीम्स प्लेइंग 11 की घोषणा मैच के दिन टॉस के वक्त या मैच से एक दिन पहले करती हैं। ऑस्ट्रेलिया के अलावा इंग्लैंड की बात करें तो रूट ने अपनी प्लेइंग 11 के बारे में कुछ भी खुलकर नहीं बताया है। उनका कहना है कि वो ये निर्णय पिच को देखने के बाद लेंगे। रूट ने कहा, हमारे पास सभी विकल्प मौजूद है लेकिन हम अभी अपनी टीम की घोषणा नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि अगले कुछ दिनों में पिच कैसी नजर आती है और हम उसी हिसाब से निर्णय लेंगे। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज 2021 का दौरा 8 दिसंबर से शुरू हो रहा है। पहला टेस्ट ब्रिस्बेन के गाबा मैदान में खेला जाएगा। ये दौरा 18 जनवरी तक चलेगा। सीरीज का आखिरी और 5वां टेस्ट मैच 14 जनवरी को पर्थ के मैदान पर खेला जाएगा। पहले टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 मार्कस हैरिस, डेविड वार्नर, मानस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड, कैमरन ग्रीन, एलेक्स कैरी विकेटकीपर, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, नेथन लायन और जॉश हेजलवुड। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है अविनाश ने, मैं हूँ गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा के जाइएगा। शुक्रिया। पांच शहर और पांच अड्डों के बाद तब बारी है गोरखपुर की। जानेंगे गोरखपुर के और आसपास के इलाकों के पूर्वांचल के मुद्दे क्या हैं, किन बातों पर बिछेगी चुनावी बिसात, विकास के दावों का सत्य क्या है, मुख्यमंत्री के इलाके में चुनाव का हाल क्या है और ये सब कैसे जानेंगे आपसे मिलकर। तो फिर फटाफट डिटेल्स नोट करिए लल्लन टॉप अड्डे के। तारीख है 10 दिसंबर, दिन शुक्रवार, वक्त दोपहर के 2 बजे से और जगह गोरखपुर का विंध्यवासिनी पार्क, जिसे स्थानीय लोग मोहब्बत से वी पार्क भी कहते हैं। तो आइए वी पार्क में मुलाकात की जाए, जरा समझा जाए यूपी का हाल क्या है।